स्थित सम्मा का सरलामा जत्रा आदिवासी पर्व में शामिल हुए और वहां सम्मा का सरलामा देवी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुंभ के बाद श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ इस मेले में जुटती है। इस मेले में छत्तीसगढ़ के बीच श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को वहां ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की लागत से एक धर्मशाला के निर्माण की घोषणा भी की। तेलंगाना में गया था, बिल्कुल हिंदुस्तान के ऐसा मेला मैंने इतनी बड़ी उम्र मेरी होगी 66 साल, ऐसा ट्रैवल लोगों का इतनी बड़ी उपस्थिति, 25-30 लाख लोग वहां पे पहुंचते हैं, 5-7 दिन मेला लगता है और अपने आप में डिसिप्लिन इतना जबरदस्त है कि 30 लाख लोग वहां मौजूद है, पूरे नदी के किनारे लोग फैले हुए हैं और अनुशासन के साथ वहां जाते हैं, गुड़ लेके जाते हैं, गुड़ का प्रसाद वहां चढ़ता है। मेरे जैसे वजन करीब 96 kg है तो मुझे तराजू में बैठाया गया और 96 kg का गुड़ माता के चरणों में मैंने अर्पित किया और वही गुड़ फिर वहां की जनता को बट जाता है। 100% ये उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, इनके 4-6 राज्य के आदिवासी आते हैं और मैं तो कहूंगा ये राष्ट्रीय स्तर का मेला, इसको तो ट्रैवल के लिए राष्ट्रीय मेला घोषित होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा, और कुंभ के बाद इतना बड़ा मेला की मैंने कल्पना की नहीं की थी कि इतने लोग भी किसी मेला में पहुंचते हैं। वहाँ के डिप्टी CM पहुंचे हुए थे, वहाँ के मिनिस्टर्स पहुंचे हुए थे, आंध्रा के भी आए थे, तेलंगाना के भी आए थे, हमारे कार्यकर्तागण भी थे। मैंने वहां की व्यवस्था को देखकर एक बात जानने का प्रयास किया कि हमारे छत्तीसगढ़ से इस मेले में बहुत बड़ी संख्या में, यानी वो यदि 1 से 2 करोड़ लोग वहां पहुंचते हैं तो उसमें करीब 30-40% छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं जो वहां दर्शन के लिए जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। तो मैंने वहां पे लोगों से बात किया, वहां के डिप्टी CM से बात किया, वहां के मिनिस्टर से बात किया, वहां के DM से बोला है हमें जमीन अलॉट कर दो तो हम एक अच्छा बेहतर वहां पे माता के दरबार में इतने लोग आते हैं उनके लिए एक अच्छा धर्मशाला और हमें बेहतर सुविधा के लिए 2 करोड़ के भवन के लिए मैंने वहां पे बात की है और मैंने कहा है कि उसको हम तत्काल स्वीकृत देंगे ताकि ये जो परंपरागत रूप से आदिवासियों का जो मेला लगता है वो इतने बड़े आस्था का प्रतीक कि वहाँ नदी पे वो स्नान करते हैं, वहाँ के जल लाते हैं, वहाँ वो दर्शन करते हैं और इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है कि जैसे बालाजी में आप जाते हैं तो जितना बड़ी लाइन देखते हैं उतनी ही बड़ी लाइन वहाँ पे कम से कम किलोमीटर दूर तक, और वो 10 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र भरा हुआ है। मुश्किल से वहाँ पे जाना, यानी बहुत ही मैं तो मेरे साथ सुरक्षा के लोग थे, हेलीकॉप्टर से गया तो, मगर ये दिखता है आस्था और आस्था के साथ इसके बाद भी कोई घटना दुर्घटना नहीं होती। इतने सघन मेला माता के लिए जो लक्ष्मी या दुर्गा के रूप में उसको मानते हैं और उसकी उपासना वो करते हैं तो एक अद्भुत दृश्य मुझे देखने को मिला। मैं छत्तीसगढ़ की ओर से, अपनी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से माता के दरबार में गया था कि शांति और विकास हो। बहुत नया अनुभव आया, एक विशिष्ट अनुभव आज मुझे आया तेलंगाना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।